फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है और आज मैं आपको इडली की रेसिपी बता रही हूँ। ये ना ही चावल से बनी है और ना ही उड़द दाल से बनी है। तो फ्रेंड्स, तो देखना तो बनता है इसे कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए लिया है हमने चना दाल। चना दाल आमतौर पर सभी के घर में मौजूद होती है और ना ही इसे फर्मेंट करना पड़ेगा। ये खास बात है इस इडली बनाने के लिए। इसे बस आपको 8 घंटे के लिए भिगो के रखना है दाल को। अगर आप विंटर सीजन में बना रहे हैं तो इसे गर्म पानी में 8 घंटे के लिए भिगो दीजिए। और जैसे ही 8 घंटे के बाद आप देखेंगे ये फूल चुकी होगी और इसका पानी निकाल देंगे और इसे मिक्सर ग्राइंडर में इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए पेस्ट रेडी है। अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ सीजनल वेजिटेबल्स। इसमें मिलाई हमने हरी मिर्च, टमाटर, चाहे तो आप इसमें शिमला मिर्च भी मिला सकते हैं, तीनों कलर की। और इसमें मिलाएंगे फ्लेवर के लिए हम इसमें जिंजर पेस्ट यानी कि अदरक का पेस्ट, और मिर्ची में मिलाएंगे हम इसमें कुछ सूखी लाल मिर्च, धनिया पाउडर मिलाएंगे, हल्दी पाउडर लेंगे इसमें हम फॉर कलर, और मिलाएंगे स्वाद के अनुसार नमक। आप इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं। इसमें मिलाएंगे कुछ ताजी पत्तियां हरा धनिया की। और इन सभी को मिक्स करने के पहले हम इसमें लेंगे 1 चम्मच तेल। आप चाहे तो इसमें मूंगफली का तेल भी ले सकते हैं, उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद इसमें मिलाएंगे हम रोस्टेड जीरा। इसे हम लेंगे 1 बड़ा चम्मच जीरा, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इडली में, चने की दाल की इडली में। इसके पहले हम इसमें मिलाएंगे कुछ काली मिर्च और लौंग दरदरी पिसी हुई। ये भी फ्लेवर को बहुत अच्छा एनहांस करती है। और इन सभी को मिक्स कर देंगे अच्छे से, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें लिया है हमने पानीपुरी का मसाला। चाहे तो आप इसमें चाट मसाला या जीरा वन मसाला भी मिला सकते हैं, दोनों का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मसाला हो सके तो आप लास्ट में ही मिलाइए। अब हम इडली मोल्ड्स रेडी कर लेंगे। इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। आपके पास जो भी स्टील का हो आप वो भी ले सकते हैं, चाहे तो आप इसे खमण में जैसे खमण बनाते हैं उस प्रकार से बना सकते हैं। अब हम फाइनली इसमें मिला देंगे बेकिंग सोडा। इसमें आपको इनो फूड सॉल्ट नहीं मिलाना है। और ये लास्ट स्टेप है। इसे हम अच्छी थोड़ा थोड़ा मिक्स कर देंगे अच्छे से, और हम इडली मोल्ड्स में इन सभी को फिल कर देंगे इस पेस्ट से। और ऊपर से कुछ गार्निश भी कर सकते हैं, चाहे तो धनिया और टमाटर से गार्निश कर सकते हैं, जैसे मैंने इस में किया है। ये देखिए, और हम इसे स्टीमर में सभी ट्रे को सेट करके रख देंगे। लगभग आपको रखना होगा इसे 15 से 20 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पर। कवर कर देंगे इसे और फिर आप 15-20 मिनट बाद देखेंगे ये कितने अच्छे से फूल गई है। इसे आप चाकू से चेक कर सकते हैं ये पक गई है या नहीं। अगर नहीं पकी है तो आप 5 मिनट के लिए और रख सकते हैं। और इसे ठंडा हो जाने के बाद इसे इडली को निकालेंगे चाकू की हेल्प से। ये बिल्कुल आराम से निकल जाती है, बस ठंडा होना ज़रूरी है। ये देखिए कुछ इस तरीके से हम सभी इडली को निकाल लेंगे। और आप चाहे तो इसका पेस्ट को आप फ्रिज में रख सकते हैं और आप इसके ताए या चीले भी बना सकते हैं। अब हम इसका खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं। उसके लिए लिया है हमने जीरा, करी लीव्स मिलाई है फॉर फ्लेवर। इसमें मिला है हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च और कुछ सूखी लाल मिर्च मिलाएंगे इसमें। इन सभी को अच्छे से कर देंगे मिक्स, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। इसमें लिया है हमने सिट्रिक एसिड, इसे आप नींबू का शहद भी कह सकते हैं, और ये आपको आराम से मिल जाएगा मार्केट में। इसमें मिलाई हमने तिल्ली, ये अच्छे से क्रैकल हो जाएगी। इसके बाद इसमें मिलाएंगे हम शक्कर, ताकि ये खट्टा मीठा पानी बना रहे हैं तो शक्कर मिलाएंगे इसमें। और हम इसमें मिला देंगे 1.5 कप पानी, ताकि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। उसके बाद ये 1/2 कप रह जाता है, तो इसलिए हमने थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाया है। ये देखिए अच्छे से उबल गया है। और इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और आप जब सर्व कर रहे हो इसे आप पानी को इडली में मिलाइए ऊपर से, ताकि इडली रस भरी लगेगी। और आप इसे सर्व कर सकते हैं रायते के साथ, जैसे मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, और या फिर आप इसे सांभर के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी रेसिपी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इस रेसिपी को लाइक तो बनता है, और शेयर कीजिए अपने फैमिली के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।